नागालैंड में म्यांमार के बॉर्डर के पास एक जंगल में मैं शिकार पे जा रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ नागालैंड के इस गांव में जंगल में शिकार पर। देखिए मेरे पास बंदूक भी है और हम लोग चार लोग हैं, तो एक वाटरफॉल पे भी जाएंगे और जंगल में शिकार करेंगे। They need help. और अभी पीछे एक आर्मी का चेक पोस्ट था, तो वहाँ पे हमें रुका गया और काफ़ी सवाल पूछे गए कि कहाँ आप लोग जा रहे हैं। अकेला में होता तो शायद मुझे और कई सवालों का जवाब देना पड़ता, लेकिन भाई लोग मेरे साथ थे तो उनका रोज़ का इधर आना जाना है और उन लोगों को ही पता है कि कोन्याक लोग शिकार पे जाते हैं इधर जंगल में, तो बस एंट्री करनी पड़ी और कितने लोग हैं ये लिखना पड़ा। और काफ़ी अच्छे से आर्मी ने बात की हमसे, बहुत मतलब अच्छे लोग थे, प्यार से बातें की, सब कुछ बताया इधर। और ये जो पूरा इलाका है ना, ये काफ़ी सेंसिटिव है। एक्चुअली म्यांमार का बॉर्डर यहाँ से लगता है 5 से 10 किलोमीटर के बीच के बाद यहाँ म्यांमार का बॉर्डर है, तो ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। और उसके अलावा नागालैंड में जो सारे ग्रुप्स एक्टिव हैं उनके बारे में आपको पता ही होगा, NSCN, IEM, NSCN, खापलांग और जो भी मतलब ग्रुप्स हैं, तो उसकी वजह से ये इलाका काफ़ी सेंसिटिव है और जगह जगह पे आर्मी के पोस्ट हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप लोकल लोगों के साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कहीं पर भी घूम सकते हैं, क्योंकि उनको इधर के सारे रास्ते पता हैं और सारे लोगों से परिचित हैं वो। तो अभी यहाँ पे हम लोग अपनी बाइक छोड़ देंगे और किधर जाना है, इधर इस तरफ। तो ये इधर जंगल में कहीं हम पैदल जाएंगे अभी यहाँ से, और बाइक यहीं पे खड़ी रहेगी। बाइक को छाया देने के लिए ये ताड़ के पत्ते हैं, उससे ढक दिया गया ताकि सीट और इंजन मतलब टंकी गर्म ना हो। You will cover it all. Even me, I don't know the way exactly. Okay. But I have knowledge. Welcome to Talam. Talam. Talam River. Talam River. तो यहाँ पे एक नदी है और इस नदी का नाम है तलम। और टोनिया ने बोला अभी कि इनको भी रास्ता पता नहीं है हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन रास्ता ढूंढ लेंगे जंगल में कहीं। और बंदूक मैंने पकड़ ली है शो ऑफ के लिए। और ये दाव से रास्ता बना रहे हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल इट, यू कॉल इट सुंगो। सुंगो दिस पार्ट, या वी ईट दिस लिफ, इट्स अ करी, बहुत खट्टा है ये। नागा लोग जंगल के वासी हैं, तो उन्हें जंगल से डर नहीं लगता। इनके पास जो दाव होता है ना, उससे किसी भी चीज़ का काम तमाम कर देंगे ये। और ये जो बंदूक आप देख रहे हैं ना, ये एयर गन नहीं है, ये रियल बंदूक है, देसी गन है ये। तो इतना आइए कौन हो क्यों,
दिस लीव्स आर फॉर व्हाट? फॉर विजिट, फॉर करी. फॉर करी? यहाँ पे कुछ ये जो पत्ते हैं इनको तोड़े जा रहे हैं, उनकी सब्जी बनेगी. वाओ. भाई को शायद कोई चिड़िया दिखी है. तो उसको ये ढूंढ रहे हैं, अगर वो मिल गई तो उसका शिकार किया जाएगा. करीब डेढ़ घंटे की ट्रैकिंग के बाद जो नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, मज़ा आ जाएगा आपको. मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कैमरा घुमा रहा हूँ, देखिए. क्या नज़ारा है, मस्त. आपने इसे बड़े बड़े झरने देखे होंगे, लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ इक्का दुक्का, मतलब ना के बराबर टूरिस्ट तो आते ही नहीं है, सिर्फ लोकल लोग ही आते हैं. और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूँ, टूरिस्ट में से, जो यहाँ तक आया मैं. तो ज़िंदगी में कुछ एक्सप्लोर करिए, कुछ नया करिए, कुछ ढूँढिए और अपने डर को साइड कर दीजिए. साथ में बंदूक है, दाव है, 3 कोन्याक नगा लोग हैं, लेकिन यकीन मानिए ये लोग बहुत फ्रेंडली हैं. आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप अच्छे हैं, आपके लिए हर कोई अच्छा है. बाकी मैं थोड़ा व्यू लेता हूँ इस झरने का, मज़ा लेता हूँ और आप लोगों को इसका टाइम लैप्स दिखाता हूँ. वाओ. और ये है बांस में कोल्ड ड्रिंक पीने का नया स्टाइल. तो भाई लोगों की बदौलत मैं आपको बता दूं कि यहाँ आने वाला सिर्फ मैं दूसरा टूरिस्ट हूँ और पहला इंडियन टूरिस्ट हूँ. यहाँ पे मेरे से पहले एक लड़की आई थी फ्रांस से, तो उन्हें उसको लेके आए थे, और उसके अलावा सिर्फ मैं यहाँ पे आया हूँ, दूसरा बंदा हूँ मैं. और ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है. तो अगर आप कभी यहाँ पे आते हैं तो टोनी से बोलिएगा, वो आपको यहाँ पे लेके आएंगे. लेके आओगे ना आप सबको? और यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी होगी, यहाँ पे खाना बनेगा हमारा. दिस इज फॉर फायर. और अभी मछली मारी जाएगी, ये जाल लगेगा इधर कहीं. वो पेड़ का छिलका निकाला जा रहा है और छिलके को सबसे पहले जलाया जाएगा, क्योंकि छिलका जल्दी जलता है ना. और फाइनली आग जल गई है. यू नो ब्रिक्स? यस. कूल नाउ. तो नागालैंड में ये जो बांस आप देख रहे हैं ना, इसमें भी डाल के राइस और मीट बनता है, लेकिन टोनी भाई आज इसमें नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना है. इसमें पानी गर्म किया जा रहा है, ये देखिए इसमें पानी डाल दिया गया है. और यहाँ पे 3 पत्थरों को मिला करके स्पेस बना दिया गया है, और बीच में ये तसला चढ़ा दिया गया है, और इसमें आलू बॉयल होगा, अभी सब्जी बनेगी. तो ये नागालैंड के जंगल में हमारा खाना बन रहा है. ये 3 पत्थरों को मिला के एक चूल्हा बना दिया गया है. ये बांस में पानी गर्म हो रहा है, और यहाँ तसले में आलू पकाया जा रहा है फ़िलहाल,
इसके अलावा खाने में मछलियाँ मारी गई हैं, अभी 7-8 मछलियाँ हैं छोटी छोटी नदी से मारी गई हैं, ये जो नदी है यहाँ इससे, और अभी जाल लगा के छोड़ दिया गया है तो और मछलियाँ मिलेंगी। ये केले का तना है, ये खाएंगे हम। ये केले का फूल है, वो खाया जाएगा। और इसके अलावा ये जो पत्तियाँ आपको दिख रही हैं, ये जब हमने ट्रैक शुरू किया था तो जंगल में ही ये पत्तियाँ तोड़ी गई थी, तो ये खाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं खाने के लिए, और ये केले का जो पत्ता है उस पर खाना खाएंगे हम। और दोनों भाई लोग अभी मछली मार के लौट आए, देखते हैं क्या क्या मिला। व्हाट इज दिस? बनाना स्टीम। सो वी आर गोइंग टू हैव दिस। इट्स वेरी टेस्टी। यस। और ये मछलियाँ मिली हैं, मछलियाँ मिली हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात मछलियाँ मिली हैं। ये केले का फूल, केले का तना। तो अभी जाल वहाँ पे लगा हुआ है नीचे, और फिर से थोड़ी देर बाद जाके और मछलियाँ देखी जाएंगी। अभी ये इन पत्थरों में ना भयंकर ब्लास्ट हुआ, और सारे लोग हम लोग बच गए हैं बस। मतलब उड़ उड़ के ऐसा लगा कि बारूद फट रहा है। तो वहाँ से चूल्हा अब शिफ्ट किया जाएगा, और यहाँ पे अलग चूल्हा बनाया जाएगा, क्योंकि उन पत्थरों में कुछ दिक्कत है, वो पत्थर फट रहे हैं। आर यू ओके? लगातार ये पत्थर ब्लास्ट कर रहे हैं, और यहाँ से चूल्हा अब शिफ्ट किया जाएगा। तो कुछ नहीं मिला, एक सांप दिखा था लेकिन वो जंगल में भाग गया। और फाइनली खाना तैयार हो गया। ये यहाँ का लोकल राइस, रेड राइस, ये केले के पत्ते पे खाना मिलेगा, और इसके अलावा मछली मिक्स है, वेजिटेबल्स है, मछली का चटनी है। कैसा है चटनी? बहुत बहुत अच्छा है। टेस्ट करो। हाँ, ये मछली का चटनी है। ग्रीन लीफ का सब्जी है, और ये है सब्जी एकदम हर्बल। बस मछली की चटनी ट्राई करता हूँ। छोटे छोटे कांटे हैं इसमें। इट्स टेस्टी। चावल बहुत टाइट हो गया है। और ये देखिए, खाने के बाद हम लोग चाय पियेंगे, और इस बांस में चाय बनेगी। इसमें टी लीव्स डाल दी गई हैं, और तो चाय बन गई है। देखिए चाय खोल रही है बिल्कुल। इसमें मिली है ब्लैक टी। यहाँ पे ब्लैक टी टोनी है, और बाकी लोग बिना चीनी के पीते हैं, तो अच्छा लगता है ये। हाँ, स्ट्रॉन्ग होता है बिल्कुल, लेकिन ये बात से पता नहीं चल रहा कितना गर्म है। तो सावधानी से पीने की ज़रूरत है, तो बहुत ज़्यादा आपके मुंह में गर्म चला जाएगा। सो फाइनली हमारा ट्रैक ख़त्म हुआ, पिकनिक ख़त्म हो गया, और ये खड़ी है हमारी बाइक्स। तो वापस हम लोग अब गांव की तरफ लौटेंगे, और उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। अन्याम भाई, ANYAM, इनके बारे में ख़ास ये है कि ये नॉर्थ ईस्ट, और ख़ास करके नागालैंड,
में हर जगह ट्रैवल कराते हैं और यूट्यूब चैनल चलाते हैं। सो भाई के चैनल का नाम है लाइफस्टाइल ची। लाइफस्टाइल का स्पेलिंग आपको पता होगा, ची का स्पेलिंग है CHEE। बाकी मैं चैनल का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप लोग प्लीज़ उस चैनल को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और भाई एक मतलब कि काफ़ी नामी यूट्यूबर हैं, मेरे से काफ़ी बड़े हैं, इनके ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी अच्छे व्यू भी आते हैं इनके वीडियोज़ पर। तो प्लीज़ आप इनको फॉलो करिए, नागालैंड के बारे में आपको तमाम जानकारियाँ मिलेंगी। और फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं बंद करता हूँ और आपसे फिर एक अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।